हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कॉम्पर नॉलेज चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, जब हमारे नेटवर्क कनेक्शन हम करते हैं तो उसके अंदर स्ट्राइक थ्रो केबल, क्रॉस ओवर केबल और रोल ओवर केबल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी, आज बहुत पावर टेक्नोलॉजी, और ये जो होती है खास तरह की प्रोग्रामिंग के साथ वो वर्क करती है। डेटा को भेजना, सेंडिंग करना, कम्युनिकेशन करना, नेटवर्क अलग अलग तरह की जो होते हैं वो कंबाइन करके कम्युनिकेशन करवाना, उसके अलावा बहुत सारे उसकी फैसिलिटीज, फीचर्स, फंक्शंस और प्रोटोकॉल्स के ऊपर ये काम करता है। इथरनेट पोर्ट के बारे में समझाया था और इथरनेट की जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं कैसे होते हैं ये सब कुछ मैंने समझा दिया है। तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन सभी का मैंने वीडियो जो है बना चुका हूँ। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मैंने टिस्टर केबल के बारे में बताया था, कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, पिन्स के बारे में बताया था पिछली वीडियो के अंदर। तो जाकर देख लीजिए वरना आपको इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ओके समझने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम समझेंगे, इथरनेट का किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, इथरनेट की इम्पोर्टेंट सिस्टम्स वगैरह हम समझेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना ज़रूरी है। तो इथरनेट कनेक्टिविटी कैसे होती है, इथरनेट की कनेक्टिविटी क्यों की जाती है, उसके पिन्स कौन कौन से होती है, इथरनेट की कनेक्टिविटी में क्या क्या हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, हमारे पेयरिंग सिस्टम का हम पेयर कर जो करते हैं हम। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इथरनेट कनेक्टिविटी के बारे में और भी बहुत कुछ आपको जो है मिलने के लिए, मदद की समझने के लिए ये चीज़ आपको होनी चाहिए। तो इथरनेट कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ मैंने को जो है पिछली वीडियो में समझाया है यहाँ पर, तो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और भी मैंने को समझाया था ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इथरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो ओके। YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्ले लिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से ओके।
तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नए टेक पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का, आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर, हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है, तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है, बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो, उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो, सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो आज Spotify ये जो है वेल नोन इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रांटर है, और ये अलाउ करता है यूजर को वायर
इंटरनेट कनेक्शन से। ओके, ये जो है दूसरी भी काम करता है, जैसे कि दूसरे पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है सेम कनेक्शन के साथ, तो वो जो है कॉमन वायर नेटवर्क कनेक्शन इंटरफेस बन जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, जिसको हम स्ट्रेट थ्रू केबल हम बोलते हैं। अब हम ये सेम पोर्ट, मतलब कि सेम कनेक्शन, सेम कनेक्टर है दोनों ओर, तो समझ लो कि वो स्ट्रेट थ्रू केबल है, और ये हमेशा कनेक्शन इंटरफेसेस को कनेक्ट करने के लिए इट इज यूज होता है। ओके, इट इज इथरनेट केबल कंसिस्टिंग 8 वायर। ओके, तो हमेशा इथरनेट केबल जो वायर होता है वो 8 वायर में आता है, और वो उसकी पेयर जो हम बात करें 4 पेयर के अंदर आता है। ओके, वो वायर की हम बात करते हैं तो टोटल 8 वायर होती है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वायर होती है, और ये 4 पेयर में आती है, पहली पेयर, दूसरी पेयर, तीसरी और चौथी पेयर के अंदर हमारा जो है इथरनेट वायर आता है, इसको हम कहते हैं गेट वायर, गेट 6। ओके, क्रिस्टल कोइल केबल हम बोलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब ये ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती है। ओके, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा जो इथरनेट कनेक्टिविटी की हमारी पूरी सिस्टम जुड़ी हुई होती है। ओके, अब डिपेंड करता है कि आपका गेट 6 लिया है, गेट 7 केबल लिया है, गेट 8 लिया है, और कौन से सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपने सेटअप किया हुआ है। ओके, दिस केबल फॉलो स्पेसिफिक कलर कोड। ओके, हर ये जो केबल होती है हर खास रखे केबल कोड से जुड़ा हुआ होता है विथ रिस्पेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वायर। ओके, तो ये जो हमेशा उसी अरेंजमेंट के वायर के थ्रू बनाया जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि इथरनेट टेक्नोलॉजी के वायर के सिस्टम की कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो ये देख सकते कि 8 वायर हैं और हमें से 4 पेयर के अंदर आती है, और यही कनेक्टिविटी के 8 पेयरिंग कम्पलिटी सिस्टम की सिस्टम आपको मिलती है यहाँ पर। तो 8 वायर है तो 8 पिन आपको कनेक्टर के अंदर होती है, और वो पहली पिन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम रोल ओवर केबल बनाते हैं, क्रॉस ओवर केबल बनाते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहली पिन जो शुरू होती है, ओके, कम्प्लीटली हमारा सिस्टम जो है, यहाँ पर हम कनेक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो कनेक्टर कुछ प्रकार इस तरह से होता है, उसके ऊपर जो है लॉक होता है, ड्यूरेबल स्प्रिंग होती है, तरह की स्प्रिंग बोलो या लॉक बोलो। ओके, फिर यहाँ पर एक कैप होती है जिसको मॉडर्न स्टेट रिलीफ बोलती है, उसको एक्स्ट्रा ये ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे केबल को। ओके, हमारे वायर को टूटने नहीं देता, और ना ही हमारे कनेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत जो है क्लीन रहता है हमारा। ओके, इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाती। और दूसरी मेन चीज़ की इसके ऊपर केबल बुट होती है यहाँ पर। ओके, और ये अच्छा सा हमारा केबल को मेंटेन करने में ये जो है केबल के ऊपर कैप होने के कारण बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो है मेंटेन केबल होता है। ओके, तो हमारी पहली पिन जो स्टार्ट होती है ये, अगर आप इस तरह से नीचे की ओर रखते हो, पहले लॉक को देखना है, लॉक को नीचे की ओर रखते हो और पीछे का पोर्शन कुछ इस तरह से रखते हो, तो पहली पिन हमारी जो स्टार्ट होगी वो आप ध्यान में रखना कि ये हमारी 8वीं पिन होती है, और पहली पिन हमारी यहाँ से शुरू होगी। ओके, तो पहली पिन का पहला वायर जो होता है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल चलाना है तो आपको पहली पिन ये होगी, दूसरी पिन ये होगी, तीसरी पिन ये होगी, फिर 4 5 6 7 8 यहाँ पर आता है। ओके, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि 8 पिन का कनेक्टर है या जितने भी है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होती है। ओके, तो ये 8 पिन का आपका टोटली सिस्टम जो है आपको आना चाहिए। ओके, तो हमारा जो भी कनेक्टर होता है ध्यान से, क्योंकि अगर कनेक्टर सीधा रखा हुआ है आपने, ओके, और इसकी पिन आपको यहाँ से होता है, यहाँ से मिल रहा है यहाँ पर, ओके, तो आपको जो ही ये कनेक्टर का द्वार आपको आपने यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब इस तरह से
रखा हुआ कनेक्टर, तो कौन सी फर्स्ट पिन होगी? तो पहली फर्स्ट पिन ये वाली होगी, यहाँ से होगा। ओके, ध्यान से देखिए कि मुझे पिन का नंबर्स पता है, मुझे पिन का कौन से पिन के अंदर, पहले पिन के अंदर मुझे वायर डालना, ये भी मुझे पता है, लेकिन कनेक्टर की पिन मुझे नहीं पता, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो कलर कोड कम्प्लीटली ही इसकी वायर आपने अच्छी तरह से सेटअप कर दी है, तो यहाँ पर आपकी पिन कम्प्लीटली होनी चाहिए। ये क्रिम्पिंग के वक्त हमें करना होता है, क्रिम्पिंग समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि पहली पिन हमारी आज 45 कनेक्टर की यहाँ से शुरू होती है, फिर वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, इस तरह से 8 पिन फिर यहाँ पर होगी, इस तरह से आपको समझना होगा। ओके, तो 8 पिन का कनेक्टर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो होता है इसी के ऊपर से होता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमारा सिस्टम जो होता है वो पहले देखता है कि केबल की कनेक्टिविटी और उसकी लेंथ कैसी है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारी 8 पिन और 1 कनेक्टिविटी हमारी मेन चीज़ हमारी केबल के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, केबल के अंदर लाइन जो होती है उस हिसाब से ही हमें कनेक्टर को तैयार करना होता है, और उस हिसाब से हमें जो कलर कोड को हमें यूज़ करना होता है। तो इस तरह से केबल को छीनने के बाद केबल को अच्छी तरह से इस तरह से जो पेयरिंग में सेट कर देना है। ओके, जैसे देखिए ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू, फिर यहाँ पर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट ब्राउन है। तो ये जो केबल बना है, ये जो पेयर में हमने बनाया है, तो ये जो है पहली पिन में हमारा ऑरेंज वाइट जाएगा, फिर दूसरी पिन में ऑरेंज जाएगा, तीसरी पिन में जाएगा ग्रीन वाइट। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हम इसको बना रहे हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं हम। स्ट्रेट थ्रू केबल कैटेगरी का वायर जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, वो डिफरेंट डिवाइस के अंदर कनेक्शन करने के लिए इतने टेक्नोलॉजी के अंदर बनाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, क्योंकि लेयर के अंदर, ओके, डिस्टर्बिंग केबल अलग अलग हमारे सामने कलर कोडिंग की लेयर है आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इसी के हिसाब से हमें जो है सेटअप करना होता है कनेक्टर। तो पहले से आपने इस तरह से सेटअप कर लिया तो आपको पहली पिन पता होनी चाहिए और इस हिसाब से आपको जो है कनेक्टर लगाना होता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना ये जो है कनेक्शन अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा, ना ही यूज़ कर पाओगे और ना ही परफेक्टली आपका कनेक्शन जो होता है वो सेटअप हो पाए। ओके, क्योंकि हमारे सिस्टम की इधर टेक्नोलॉजी के अंदर 3 तरह की केबल ज़्यादा यूज होते हैं, इनमें से 2 जो है मोस्ट पॉपुलर है। पहला स्ट्रेट थ्रू केबल है, दूसरा क्रॉस ओवर केबल है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल और रूल और क्रॉस ओवर केबल, ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसी के हिसाब से हमें जो है पेयर सेटअप करना होता है। तो केबल का पहली और एक साइड हमने इस तरह से किया, तो दूसरी साइड भी उसी तरह से सेम करना होगा, तब हमारा स्ट्रेट थ्रू केबल बनता है यहाँ पर। तो ट्रिमिंग क्या होती है? ट्रिमिंग मैं आपको समझाऊंगा। ओके, जब हम केबल की छिलने के बाद कुछ इस तरह से केबल ऊपर नीचे की ओर होता है हमारा कभी कभी। ओके, तो इसको हमें कट करके सीधी लाइन में लाना होता है। ओके, क्योंकि कनेक्टर में आसानी से चले जाए और सभी की कनेक्शन जो अच्छी तरह से हमारा सेटअप हो। ओके, तो अभी ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, लेकिन इसको भी फिर से अच्छी तरह कट करके सभी का एक सेम जो है लाइन में आना जरूरी है, तभी हमारा जो है कनेक्टर के अंदर अच्छी तरह से फिट हो पाएगा। ओके, तो कहने का मतलब कि पहली पिन के अंदर ऑरेंज वाइट जाता है, दूसरी पिन के अंदर ऑरेंज जा रहा है। ये कलर कोड हमें ये बताता है कि आपकी लाइन जो है कौन सी सेट होगी स्ट्रेट थ्रू केबल के अंदर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। कलर कोडिंग से हमारे जो है वायर की जो है लाइन जो होती है वो चेंज नहीं होती। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए, लेकिन अभी आप नए बिगिनर हो, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना ही होगा। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो जब हम ईथरनेट केबल बनाते हैं तो ये जो है इम्पोर्टेंट हमें पिन कनेक्टर्स पता होने चाहिए। ओके, तो कनेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह से आपको देखा देते हैं ध्यान से, क्योंकि ये जो है स्ट्रिक्ट थ्रू केबल है। केबल चाहे पेज कोई भी हो, तो नंबर 1 पिन के अंदर ग्रीन वाइट गया तो नंबर 1 के अंदर सामने वाली
दूसरे भी केबल के अंदर वन जाना चाहिए। ये देख सकते हो कि लाइन जो है सेम आ रही है, क्योंकि सभी के अंदर पिन वन के अंदर जो है तो पिन वन के अंदर वन ग्रीन वन चला गया, ग्रीन चला गया इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ध्यान से क्रॉस ओवर केबल है, तो पहली लाइन जो है तीसरी लाइन में जा रही है, दूसरी लाइन जो है सिक्स में जा रही है, तीसरी लाइन जो है फर्स्ट नंबर पर जा रही है, और सिक्स नंबर की लाइन जो है टू नंबर पर जो है क्रॉस ओवर केबल हुआ। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये जो क्या है कि आपको बता रहा है यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल या रोल ओवर केबल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो केबल की एक और अगर आपने स्ट्रेक थ्रू केबल रखा हुआ है, अगर आपने स्ट्रेक थ्रू केबल का पेयरिंग रखा हो, दूसरी वो क्रॉस ओवर केबल रखा हुआ है, तो पहले चेक कर लेना है कि पहले स्ट्रेक थ्रू केबल का कनेक्टिविटी की है, तो दूसरी ओर भी सेम ही रखोगे तो स्ट्रेक थ्रू केबल बन जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ और आपने चेंज किया रखा तो वो केबल कुछ और बनकर तैयार होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो जो लाइन आपके सामने है, देख सकते हो कि लाइन जो सेम है, जो पिन वन के अंदर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ग्रीन वाइटियों में, यहाँ पर ऑरेंज वाइट भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर ब्राउन भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि जो आपने पहली पिन के अंदर ग्रीन वाइट लिखा हुआ है, तो सामने वाली दूसरी केबल की ओर भी आपको वही सेम रखनी होगी। अगर आपको ईथरनेट पेज केबल, जिसको स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं, इसको आपको बनाना है तो ओके, तो ये चीज़ होगी। क्रॉस ओवर केबल बनाना है तो फिर आपको लाइन चेंज करनी होती है। ओके, वो आपको मैं समझाऊंगा आगे की वीडियो के अंदर, अभी नहीं। अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये स्ट्रेट थ्रू केबल अगर कम्प्लीटली फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर चाहे फिर आप यूटीपी केबल यूज़ करो या एसटीपी केबल यूज़ करो, कोई भी केबल यूज़ करो, आपको जो है पता होना चाहिए कि सील्ड टेस्ट टाइप केबल या अनसील्ड टेस्ट टाइप केबल सभी के अंदर सेम ही आएगा, सेम ही यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कनेक्टिविटी परफेक्ट होनी जरूरी है। आपका सिस्टम के अंदर कनेक्शन जब होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो है पिन नंबर वन कौन सा होगा, पिन नंबर टू कौन सा होगा। तो पिन नंबर अगर कनेक्टर आपने कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है और लॉक नीचे की ओर है, ध्यान से देखो, और राइट साइड आपका आ रहा है, तो ये जो है हमारी पहली फर्स्ट पिन ये होगी। ओके, तो अगर ये फर्स्ट पिन के अंदर मैंने जो है पहली पिन के साइड के अंदर में ग्रीन वाइट रखा हुआ है, तो ग्रीन वाइट दूसरी और भी रखना होगा, तो केबल बनाना है। ओके, अगर यहाँ पर ऑरेंज वाइट रखा हुआ है पहली पिन में, तो दूसरी ओर भी मुझे ऑरेंज वाइट फर्स्ट पिन में ही रखना होगा। ओके, तब स्ट्रेट थ्रू केबल बनेगा। ओके, फिर तो वहाँ से जो फर्स्ट नंबर पिन होगी स्टार्ट, फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से शुरू होती है आपको। ओके, तो ये जो है ये आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी जितने भी पिन्स है वो हमारे नंबर्स के अनुसार ही होती है, और उसी हिसाब से हमें जो है केबल को तैयार करना था। तो केबल का एक और हमने इस तरह से बनाया, तो केबल के दूसरी ओर भी आपको सेम ही आपको पेयरिंग बनाना होगा, क्योंकि तभी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल मिलेगा। ओके, स्ट्रेट थ्रू केबल क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपको समझ लेनी जरूरी है। ओके, तो सील्ड टेस्ट पे केबल हो या अनसील्ड टेस्ट पे केबल हो, उसके ऊपर की जो पीवीसी लेयर हटाते हो, पीवीसी लाइन लेयर हटाते हो, तो हटाते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखो, केबल छीलते वक्त ये ध्यान रखो। कुछ लोग जो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर ज़्यादा कट होल लग जाते हैं, यहाँ पर जो है वायर कट हो जाता है, इससे ये होता है कि आपका केबल जो है शॉर्ट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इस वजह से अच्छी तरह से ध्यान से छीलना है, उसके लिए भी अलग से केबल को सील को निकालने की अलग से उसकी मेथड की टूल आता है, उसका आपको इजी तरीके से केबल को छील सकते हैं। ओके, उसके अलावा और भी आपके सामने देख सकते हो कि बहुत सारे केबल आपको मिलते हैं, जैसे कि ध्यान से ये देख सकते हो कि, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा और हाई लेवल टाइप की केबल्स वगैरह जो होती है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद। अभी इतना समझो कि ये जो टेस्टर पे केबल है वो हाई लेवल एरियाज के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आउटसाइड एरिया है, जहाँ पर आप चाहते हो कि 10 से 12 या फिर और भी बहुत सारी जगह पर आपको मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर केबल छीलने के बाद
अगर मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी पहली फर्स्ट पिन के अंदर ऑरेंज वायर रखता हूँ और मुझे स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए, तो मुझे मैं पहले ऑरेंज वायर रखूँगा, फिर दूसरे में ऑरेंज रखूँगा, फिर तीसरे में ग्रीन वायर, तो ये पेयरिंग हमें बताती है कि मेरी लाइन जो है चेंज ना हो। ओके, इस वजह से हम जो है इस तरह से कलर कोड से पहचानती है, हमें एक हेल्प होती है। तो केबल छीन लेने के बाद फिर केबल को इस तरह से सेट कर लेना कि नंबर वन पर ऑरेंज वायर, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन वायर, फिर ब्लू, ब्लू वायर, फिर इस तरह से आपको पकड़ कर केबल को इस तरह से सेटअप कर लेना है, और फिर आपको बीच में से अच्छी तरह से कट कर लेना है। ओके, और फिर आपको कनेक्टर के अंदर सेट करना है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझने के लिए ज़रूरत है। ओके, तो अगर पहली फिर मेरी यहाँ से शुरू होते, अगर मैं कनेक्टर कुछ इस तरह से रखता हूँ, ओके ध्यान से देखिए, अगर मैं ओके अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वन के अंदर, नंबर वन के अंदर रखता हूँ, तो यहाँ से शुरू होता है नंबर वन। कनेक्टर में कुछ इस तरह से रखता हूँ तो नंबर वन यहाँ से शुरू होगा, और फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, यहाँ से फिर एट नंबर से यहाँ से आता है। ओके, तो पहले चेक कर लेना है कि अगर मैं केबल का कनेक्टर जो है कुछ इस तरह से रखता हूँ तो मेरा फर्स्ट नंबर की पिन यहाँ से शुरू होगी और फिर यहाँ तक आठ तक आएगा। ओके, अब यहाँ पर केबल बनाते वक्त ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की टूल्स होते हैं, क्योंकि ये जिसको हम क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, क्रिम्पिंग करते वक्त मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये जो टूल्स है ये केबल को यहाँ से छीलने के लिए आता है। ओके, अगर आप कनेक्टर यूज़ नहीं करते तो डायरेक्ट पेच पैनल है, तो इसके लिए ये यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर पेच करने के लिए। ओके, यहाँ पर आपका ये कनेक्टर हो गया, और इस कनेक्टर को अच्छी तरह से फिट करके हमारे केबल को अंदर लगाने के लिए, ओके, लगाने के बाद हम एक क्रिम्पिंग टूल यूज़ करते हैं। क्रिम्पिंग टूल के अंदर प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करना होता है, जिससे कि हमारा जो ये पूरी जो कॉपर की जो प्लेट्स है वो हमारे वायर के कॉपर की ब्लेड के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाए, और ये होने के बाद हमारा जो है ये टोटली केबल चेक करने के लिए हमारा खास टेस्टर होता है, तो केबल टेस्टर के अंदर हम लगा कर फिर हम इसकी पेयर को चेक करते हैं कि कहीं से कोई सिस्टम जो है वो केबल जो है लूज ना हो। अगर लूज निकलता तो उस केबल को आगे से काट दो, फिर से केबल को छीलो, फिर से उसकी पेयरिंग को खोलो, फिर से केबल को उसके पेयर को सही तरीके से सेटअप करो, फिर उसको ट्रिम करके फिर उसको नया कनेक्टर लगाओ। नया कनेक्टर लगाने के बाद फिर इसके अंदर फिट करना कनेक्टर को वायर के अंदर, और वायर के अंदर फिट करने के बाद फिर आपको क्रिम्पिंग टूल से प्रेस करना है चीज़ से, फिर से भी यहाँ से टेस्टर से चेक करो कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो अगर इस तरह से कैप आपके पास है पहले से, तो पहले आपको केबल छील लेना भी आपको क्या पहले पहना लेनी है। ओके, क्योंकि एक बार अगर आपने क्रिम्पिंग करके ये कनेक्टर बैठा दिया तो ये जो है आएगा नहीं। ओके, तो आपने वायर को छीला, फिर इसको इट जो कैप है वो आपको वायर को पहना देनी है। ओके, तभी ये यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि केबल टेस्टर है, क्रिम्पिंग टूल है, केबल छीलने के लिए टूल आपको मिलता है। ओके, तो केबल टेस्टर हमें यह बताता है कि केबल हमारा अच्छी तरह से बना हुआ है नहीं बनाया है। ओके, ये चीज़ हमारा सिस्टम आपके सामने देख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि केबल टेस्टर अच्छी तरह से आपने बना दिए हैं, मतलब चेक बता रहा है मीटर, केबल टेस्टर हमें बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ सेम बता रहा है, तो हर हमारा जो केबल की कनेक्टिविटी जो है अच्छी तरह से कम्प्लीटली कनेक्शन में है, हमारा केबल जो है ओके है। ओके, तो इस तरह से आपको रिजल्ट आना चाहिए कि जो लाइट यहाँ पर जल रही है तो यहाँ पर भी जलनी चाहिए, और ये केबल टेस्टर हमें जो है परफेक्ट हमें जो है कनेक्टिविटी, थोड़ा सा भी हमारा जो केबल लूज होता है या नहीं होगा तो यहाँ पर वो बताएगा नहीं। ओके, तो केबल टेस्टर मीटर जो होता है हमें सभी पेयर्स को चेक करके हमें बताता है कि हमारा कम्प्लीट है। तो ये जो है स्ट्रेट थ्रू केबल हमें बता रहा है। ओके, स्ट्रेट थ्रू केबल हमें बता रहा है। अब क्रॉस ओवर केबल होता तो क्या होता, तो क्रॉस ओवर केबल में यहाँ पर पहले वन होता तो ये टू जलता, टू होता तो वन जलता, उस तरह से क्रॉस में हमें बताता है क्रॉस केबल अगर आप यूज़ करते हैं। ओके,
क्रॉस केबल, पैच केबल, क्रॉस केबल के लिए आपको बहुत सारी अलग तरह की डिफरेंट टाइप की क्रॉस ओवर केबल्स की लाइन्स आपको होनी चाहिए। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझ जाने के लिए ही आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे कि स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर आपको पूरा आपको आंसर मिले। ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। इस केबल की कैटेगरी के बारे में हम समझेंगे और इसको हम समझेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर माउडियो, हैव नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक रेसिपी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रेसिपी विंडो 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी है कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शादी मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट केबल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूंगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नेक्स्ट टाइम, आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।